रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मोहसिन आपके साथ ENG201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग में हाजिर है। आज हम लोग ENG201 का क्विज नंबर 1 करेंगे, तो आइए हम लोग क्विज शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन दैट सीम्स inconsequential can become very important if information it contain is. First option है inappropriate but grammatically correct. Second option है complete and effective. Third option है full of facts and business jargons. Last वाली option है concise but incomplete. तो इसमें जो correct option है वो कंप्लीट एंड इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ करेक्टनेस। फर्स्ट ऑप्शन है यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज। सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। थर्ड ऑप्शन है चेक एक्यूरेसी ऑफ फिगर फैक्ट्स एंड वर्ड। लास्ट ऑप्शन है मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिज्म। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद स्कॉलरी राइटिंग। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इनफॉर्मल राइटिंग, सेकंड ऑप्शन है फॉर्मल राइटिंग, थर्ड ऑप्शन है आर्किक राइटिंग, लास्ट ऑप्शन है टेक्निकल राइटिंग। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फॉर्मल राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks, steam for sincere you attitude, it is not merely politeness with mechanical insertion of please and thank you, but applying socially accepted manner is also a format form of it. First hai courtesy, second hai coherence, थर्ड है कंसिडरेशन और लास्ट में है कंप्लीट। तो इसमें जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है कर्टसी, वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स मीन प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन माइंड। फर्स्ट ऑप्शन है इसकी कंसिडरेशन, सेकंड ऑप्शन है इसकी कंप्लीटनेस, थर्ड ऑप्शन है इसकी कंक्रीटनेस और लास्ट वाली ऑप्शन है इसकी करेक्टनेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ इंश्योर क्लैरिटी। इन द फिल इन द ब्लैंक्स ईयर ही ग्रू रिचर। तो यहाँ पे लेटर बाद में होता है सक्सेसिव कॉन्सिक्वेंट, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं जी सबसिक्वेंट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, हाउ कैन बिजनेस मैसेज बी मोर इफेक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन है इसका बाय बीइंग पर्पजफुल, ऑडियंस सेंटर्ड एंड कंसाइज। सेकंड ऑप्शन है बाय बीइंग बिजनेस सेंटर्ड एंड यूजिंग इंप्रेसिव वर्डिंग। थर्ड ऑप्शन है बाय टेकिंग अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड यूजिंग कोलैबोरेशन। थर्ड है लास्ट वाली ऑप्शन है बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट द राइटर वर्कड हार्ड ऑन द मैसेज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आई थिंक के वो फर्स्ट वाली है, बाय बीइंग पर्पजफुल एंड ऑडियंस सेंटर्ड एंड कंसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैलेंस बिटवीन प्रीसाइज लैंग्वेज एंड फेमिलियर लैंग्वेज इज अचीव्ड बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है कंसाइजनेस, सेकंड ऑप्शन है क्लैरिटी, प्रोफिशिएंस और करेक्टनेस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है क्लैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिसाइटेड एंड अनसॉलिसाइटेड आर टाइप्स ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है मेमोज, सेकंड ऑप्शन है इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, थर्ड ऑप्शन है लेटर्स और लास्ट वाली ऑप्शन है फॉर्मल रिपोर्ट्स। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है लेटर्स।
लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट कंसिडरेशन. फर्स्ट ऑप्शन है इसकी फोकस ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड. सेकंड ऑप्शन है फोकस ऑन वाइड इमेज बिल्डिंग वर्ल्ड. थर्ड ऑप्शन है फोकस ऑन डिनोटिव रेदर देन कन नेटिव वर्ड. लास्ट वाली ऑप्शन है फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई आर वी. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो लास्ट वाली ऑप्शन है. और इस तरह से हमारा क्विज ख़त्म हो गया. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. मेरी वीडियोस उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रही होंगी. मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, मेरी वीडियोस को लाइक भी किया जा रहा है. उम्मीद है कि लोग शेयर भी कर रहे हैं आपस में और कमेंट भी कर रहे हैं. मुझे अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं और उन फीडबैक्स के ऊपर मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव भी कर रहा हूँ. और उम्मीद है कि आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि उन्हें जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है ताकि वो उनके पास पहुंच सके. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.